जिन्होंने अभी डबल सेंचुरी की है। तो सरफराज खान ने सर आज मारी है डबल सेंचुरी ईरानी कप में फॉर मुंबई, और वो मुंबई की तारीख का पहला बैट्समैन बना है जिसने डबल सेंचुरी मारी है, 221 किया। और आज वो ईरानी कप के अंदर मैं देख रहा हूँ उसने 221 मार दिया है। ये प्लेयर है क्या है ये? तो वो मैं तो हैरान होकर रह गया, मतलब कि 276 बॉलों पे उसने 221 मार दिया, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है। देखिए ना सरफराज खान जो इंडिया का है उसको किस तरह से कैच किया यार, मुझे इतनी खुशी हुई, जेन्युइन खेला वो, जेन्युइन सरफराज ना यार, मुझे उसने प्रेशर डाला है सर, मुझे इतनी खुशी हुई। ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ या वो बंदा समझ सकता है जिसने रगड़ा खाया और उसको टेस्ट कैप मिली? उसने सही ठोका है, सही ठोक के आया इंडियन टीम के अंदर भाई। वो जिसके नाम में ही सरफराज हो वो हार कैसे मान सकता है? तो पाकिस्तान के अंदर सरफराज खान का चर्चा इसलिए है कि बहुत से वालदैन हैं जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि उनका बेटा भी पाकिस्तान के लिए खेल उठते हैं, और ये बहुत से लोगों को आज मोटिवेट किया सरफराज खान ने कि आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, लाइन में खड़े रहें, बारी जरूर आएगी। 74 इनिंग्स में 50 मैचेस में 74 इनिंग्स हैं, 4183 रन हैं, 40.3 की एवरेज है, 301 उनका बेहतरीन स्कोर है नॉट आउट, ठीक है जी, 70.56 का स्ट्राइक रेट है, 14 सेंचुरी हैं, 14 निस सेंचुरी हैं, ये हैं उनके फर्स्ट क्लास रन। जो 50 अगर किसी ने एक नई घंटी जहां पर जयसवाल ने ये वाली क्रिकेट शो की है वहां पर सरफराज खान भी जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उसने सरफराज ने सेलिब्रेट की है वो डबल सेंचुरी, वो लाइन एम्बलम शर्ट पे चिपका हुआ उसको चुम्मा, जो उसने जोश और खरोश दिखाया वो उससे पता चल रहा था कि ये डबल सेंचुरी उसके लिए कितनी मैटर करती है। यही हम उम्मीद कर रहे थे कि चैंपियंस कप के अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाए सरफराज खान, जो हर डोमेस्टिक मैच में परफॉर्मेंस दिखाता है ना, ऐसी उम्मीद कर रहे कोई हमारे में भी आए, खुद के ऊपर आए, आपका तो आएगा ना। अंका जिन्होंने अभी डबल सेंचुरी की है, और अगर हम देखते हैं क्योंकि फिटनेस जो है वो हम कहते समझते हैं कि शायद अगर प्लेयर बहुत ज्यादा फिट है तो ही बैटिंग के अंदर तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, आपका स्टेमिना आपकी फॉर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ पर फिटनेस के टेस्ट दिए, एक बार फेल हो गए, फिर दोबारा दिए, दोबारा फेल हो गए, अब तीसरी बार देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कौन सा फिटनेस का मैार सेट हो रहे हैं आप? सरफराज खान के रन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो जितनी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका डेब्यू हुआ, और उसी फॉर्मेट में जब उनका डेब्यू हुआ तो जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबके सामने, इंग्लैंड के खिलाफ मेरा ख्याल है कि उन्होंने 2-3 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर कर दी थी। सरफराज खान जो उनकी बैटिंग की सलाहियत है शॉट्स के एतबार से में कोई उनकी जोन कम नहीं है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती है तो वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचेस में भी खेलते हैं। उनकी जो टेस्ट मैच उनकी जो फर्स्ट क्लास की है एवरेज है शायद 60-70 है शायद मुझे, तो जहां तक ताल्लुक फिटनेस का है जिसका पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट मायार इसका बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है, आप एक ही अंदाज में तमाम खिलाड़ियों को फिट नहीं कर सकते हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जहां तक ताल्लुक सरफराज खान का है जिसका अभी जिक्र किया आपने, अगर आप उनके उसके ऊपर चलते हैं जो उनके इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास के रन से इंडिया की टीम में उनकी सिलेक्शन हुई है तो पहले सीजन पे नहीं होगी, काफी सीजन उन्होंने खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक खेलने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल रन्स करते रहे, उनके भाई अंडर 19 टीम में इंडिया के मुंतखब हुए वहाँ पर रन्स किए, यहाँ पर उनका जब इस मरतबा सीजन शुरू हुआ दुलीप ट्रॉफी के पहले मैच में 80-90 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, 6-7 उसके भाई ने वहाँ से एक मेरा ख्याल सेंचुरी स्कोर की मुशीर ने और अपनी टीम को ऊपर ले गए। मजमुई तौर पर स्टैट्स है ना सरफराज खान साहब के, अब मैडम उनके जो फर्स्ट क्लास के रन है ना 50 मैचेज हैं फर्स्ट क्लास के और उसमें 66.39 की एवरेज है, 3 नौ गई 66.39 की एवरेज है, ठीक है 4000 रन है उनके फर्स्ट क्लास, 4000 50 मैचेस में जी 74 मैचेस में 74 इनिंग्स में 50 मैचेस में 74 इनिंग्स हैं, 4183 रन हैं, 40.3 की एवरेज है, 301 उनका बेहतरीन स्कोर है नॉट आउट, ठीक है जी 70.56 का स्ट्राइक रेट है, 14 सेंचुरी हैं, 14 निस सेंचुरी हैं, ये हैं उनके फर्स्ट क्लास रन। जो 50 अगर किसी ने एक नई घंटी जहां पर जयसवाल ने ये वाली क्रिकेट शो की है वहां पर सरफराज खान भी जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। 50 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इतनी 66 की एवरेज जो है ना बता दें किसने पाकिस्तान में अभी की है, और इतने मैचेस बता दें ना, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद इन्होंने किस बैट्समैन को और डेब्यू कब हुआ इनका, किनको खिलाया, ये अभी पिछले साल हुआ है जी, लेकिन देखिए मतलब कि कितने एक पीछे एक पूरा प्रोसेस है ना, लेके आए हैं रन, 50 मैचेस खेलना फर्स्ट क्लास के इसमें वक्त लगता है, इन्हीं लोगों ने आजम खान को खिलाया ना
उनका उनकी फिजिकली फिट तो फिट नहीं गया, हो सकता है उनको फिजिकली फिट करते, मैदानों पे वो जो है वो स्कोर भी कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी अगर फिजिकली फिट करते, उनको बेहतर कराने के लिए काम करते, हो सकता है उनकी कारकर्दगी का मायार इससे बेहतर हो जाता। बिल्कुल। सरफराज खान और मुशीर खान इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टॉलवर्ट्स, और बड़ा भाई जो है सरफराज वो तो डीमन है ना इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो सरफराज खान ने सर आज मारी है डबल सेंचुरी ईरानी कप में फॉर मुंबई, और वो मुंबई की तारीख का पहला बैट्समैन बना है जिसने डबल सेंचुरी मारी है, 221 किया और 42 टाइम्स ईरानी कप जीता है मुंबई ने, 42 टाइम्स, एक भी डबल सेंचुरी नहीं है, पहली इसने आज मारी है। अच्छा ये बना है जनाब पांचवां बैट्समैन ईरानी कप की तारीख का कि जिसने डबल सेंचुरी मारी है। और अच्छा इससे पहले वसीम जाफर विदर्भा के लिए उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद रवि शास्त्री, प्रवीण अमरे और यशस्वी जायसवाल, इन तीनों की भी डबल सेंचुरी है, लेकिन ये तीनों खेलते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। इसने सरफराज ने जो आज डबल सेंचुरी मारी है उसने मारी है रेस्ट ऑफ इंडिया को, कि तुम पहले सारों को मार रहे थे, चलो एक डबल सेंचुरी तुम भी अपने अगेंस्ट लगवा लो। और ये डबल सेंचुरी इसकी मतलब ब्रिलियंस की इंतहा आप जिसे कहते हैं। भाई जो है वो बेचारा एक्सीडेंटेड है, वो भी एक सर पे टेंशन थी, लेकिन इसके बावजूद सरफराज खान की आज बैटिंग एब्सोल्यूट देखने वाली थी, देखने वाली जिसको कहते हैं। सरफराज का जी डिस्पाइट 160 डॉट बॉल्स हैं सरफराज की इनिंग्स की, एंड स्टिल उसका 80% का स्ट्राइक रेट है, 160 डॉट बॉल्स के साथ 80% का स्ट्राइक रेट, क्योंकि 25 अगले ने चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं सरफराज ने अपनी 221 की जो उसने अभी तक की इनिंग्स खेली हैं। और अगेंस्ट पेसर्स अगेंस्ट स्पिनर्स इक्वली वो गुड नजर आ रहा था। ये जो एक चीज है ना सरफराज की, ये बहुत डोमिनेटिंग है कि वो जितना अच्छा पेसर्स को खेलता है उतना ही अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। तो इंडिया के अंदर टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर उसको कोई दिक्कत नहीं है स्पिनर्स को फेस करने में, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक में स्पिनर्स ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के हैं, ठीक ठाक किस्म के स्पिनर्स हैं, और उनको बड़ी डोमिनेंसी के साथ ये खेलता है। तो एट द मोमेंट सरफराज जो है ना वो जिसे कहते हैं भाई साहब क्लाउड नंबर 9 के ऊपर बैठा हुआ है, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। अब आप खुद सोचे ना कि रानी कप में आपने डबल सेंचुरी मारी, आपने हिस्ट्री क्रिएट किया कि आप जिस टीम की तरफ से खेलते हैं उससे पहले कभी डबल सेंचुरी नहीं किसी ने स्कोर की, और जिस तरीके से उसने भाई सरफराज ने सेलिब्रेट किया वो डबल सेंचुरी, वो लाइन एम्बलम शर्ट पर चिपका हुआ उसको चुमा, जो उसने जोश और खरोश दिखाया वो उससे पता चल रहा था कि डबल सेंचुरी उसके लिए कितनी मैटर करती है। वो सरफराज इज ब्रिलियंट यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप ना उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी टेक्निक है, जो उसके अंदर स्किल सेट है, जो टैलेंट है, जो माइंड है उसका क्रिकेटिंग, जीनियस है वो छोटा सा बच्चा लगता है लेकिन है वो जीनियस। मैं रोहित का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खड़ा था सरफराज, और इसने क्योंकि ध्रुव कीपिंग पे खड़ा था, रोहित शर्मा खड़ा था फर्स्ट स्लिप में, स्पिनर लगा हुआ था, तो सरफराज ने ध्रुव को कहा कि ये इस गेंद पर आगे निकलेगा, तैयार हो जा। एग्जैक्टली वो बैट्समैन आगे निकला, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं बैट्समैन कौन था, और ध्रुव ने उसको स्टंप आउट कर दिया, और सरफराज प्रेडिक्टेड कि ये निकलेगा, मतलब इतना उसका शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है। तो आप देख लें उसकी जनाब सक्सेस, विश हिम ऑल द बेस्ट यार, बहुत जबरदस्त लड़का है, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, बहुत जबरदस्त किस्म का प्लेयर है भाई। अफरीन है वैसे कि कल मैं देख रहा था सरफराज खान को, आज वो ईरानी कप के अंदर मैं देख रहा हूँ उसने 221 मार दिया है, ये प्लेयर है क्या है ये, तो वो मैं तो हैरान होकर रह गया, मतलब कि 276 बॉलों पे उसने 221 मार दिए, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है, वो बार बार परफॉर्मेंस करके दिखाता जा रहा है, 15 सेंचुरी, मजे का स्टैट आप देखें सरफराज खान का, एक ऐसा स्टैट आपको बता रहा हूँ जो बड़ा रेयर है। सरफराज खान ने जब जब 86 रन किए हैं टेस्ट के अंदर, उसके बाद उसने 100 प्लस पे लाजमी हो गया, एक दफा भी वो आउट नहीं हुआ 86 प्लस से, तो 86 के बाद 120 के बाद जाके वो आउट हुआ, से पहले वो आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जब उसने 80 प्लस कर दी, 85 प्लस कर दी है, तो ये रुकता नहीं है। यही हम उम्मीद कर रहे थे कि चैंपियंस कप के अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाए, सरफराज खान जो हर डोमेस्टिक मैच में परफॉर्मेंस दिखाता है ना, ऐसी उम्मीद कर रहे कोई हमारे में भी आए, खुद के ऊपर आए, होगा तो आएगा ना, ये तो बात है, होगा तो आएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो क्वालिटी है ना क्रिकेट खेलने की, जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी वहां पे है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अलमिया ये है कि हेलो दोस्तों, देखा आपने सरफराज खान के 221 रन देख के पाकिस्तानी मीडिया एकदम से शौक में चला गया है। उसका ये मानना है कि जो इंडिया के खिलाड़ी है वो एकदम से इतने रन कैसे बना देते हैं या फिर इतना बड़ा स्कोर कैसे खड़ा कर देते हैं। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सरफराज खान होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया तो उसके बाद में बोलने लगे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक जायसवाल भी होना चाहिए। जैसे हमारे विराट कोहली जैसे परफॉर्मेंस करते हैं या फिर सुमन गिल, रोहित शर्मा, तो वो बोलते हैं कि इनके जैसे प्लेयर भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो फिटनेस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। जो पाकिस्तान की मतलब स्क्वाड जा रही है इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए,
उनको मतलब 3 चांस दिए गए फिटनेस टेस्ट के लिए, 8 मिनट की रन, 8 मिनट में 2 किलोमीटर की रनिंग करनी थी उनको, लेकिन 8 मिनट में उनको 2 किलोमीटर की रनिंग भी वो नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो रिजवान है वो बहानेबाजी मारने लग गया, तो पाकिस्तानी मीडिया उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया एकदम से सो हो गया, क्योंकि सरफराज खान ने 221 रन बनाए हैं 276 बॉलों पर, मतलब डबल सेंचुरी बना दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि सरफराज खान एकदम से ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर सरफराज खान ने उनको आने वाले एक खतरे की तरह मान लिया है, क्योंकि उनको पता है कि सरफराज खान जब खेलेगा टीम से तो पाकिस्तान के खिलाफ वो आएगा, तो फिर ऐसे परफॉर्मेंस करेगा तो पाकिस्तान लाजमी है, पाकिस्तान हार जाएगा। इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया अभी से ये मानने लगा है कि जो सरफराज खान है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल की तरह या फिर सूर्य कुमार यादव की तरह पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन उससे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेयर अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस ना करके मतलब रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब मौलाना रिजवान है उसके जब 50 के आसपास हो गए थे तो उसने गाजा के लिए मैदान में बाजा बाजा डाला, लेकिन बाद में खुद गए बाजा बज गया। लेकिन हमारे खिलाड़ी है जो ऐसा नहीं करते, हमारे खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं और जो अपना सेंचुरी या 50 जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही मतलब समर्पित करते हैं, ऐसा नहीं करते कि किसी के लिए भी कर दें। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये बात तो है दोस्तों, सरफराज खान का कोई मतलब फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, उनके कोई एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये पाकिस्तानी मीडिया ने एक अच्छी बात कही, ये अच्छा लगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरफराज खान ऐसे ही खेलते रहेंगे या फिर आगे कुछ मतलब इनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी होगी? लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि सरफराज खान के परफॉर्मेंस में और भी सुधार होगा, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक में जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं वो इंटरनेशनल पे जा करके उससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है वो उससे पहले पाकिस्तान के ग्राउंड कम्प्लीट हो जाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों देखते हैं होता है क्या, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।